जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम है आयुषी। तो ये जन्माष्टमी हमारे लिए बहुत स्पेशल थी क्योंकि इसी दिन हमारे घर पे लड्डू गोपाल विराजमान हुए थे। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी विधि दिखाने वाले हैं कि कैसे हमने उनका प्राण प्रतीक्षा पूजा किया पूरे विधि पूर्वक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप घर में अपने लड्डू गोपाल लाते हैं तो आप ऐसे ही मंदिर में स्थापना नहीं कर सकते। आपको पहले उनकी प्राण प्रतीक्षा पूजा करनी पड़ती है। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपको पंडित भी बुलाना पड़ता है घर पे। हमने पंडित जी को बुला करके ही इनका पूजा किया था। तो लड्डू गोपाल को पहले 5 चीज़ों से निकालना होता है। चावल, चीनी, फ्रूट्स, सब्जियाँ और फूल। तो सबसे पहले एक खाली बर्तन, साफ बर्तन ले ले, उसमें मूली बांध दीजिए और सतिया कर दीजिए। फिर लड्डू गोपाल की आंखें बंद कर दीजिए। लाल कपड़े से उनकी आंखों में पट्टियाँ बांध दीजिए। फिर सबसे पहले आप उसमें चावल डाल करके उन्हें पूरा उसमें डुबा दीजिए। प्रत्येक एक एक चीज़ आपको कम से कम 5 घंटे तक रखनी है। हमने ये विधि जन्माष्टमी के 3 दिन पहले से ही शुरू कर दी थी। जैसे हमने चावल पूरे 1 दिन तक रखा, फिर दूसरे दिन उनको चीनी में डुबाया, फिर तीसरे दिन हमने फल और वेजिटेबल्स यानी सब्जियां में डुबाया, फिर जन्माष्टमी वाले दिन हमने सुबह उन्हें फूलों में डुबाया। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा विधि देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस विधि के बाद फिर हमारे घर जन्माष्टमी वाले दिन पंडित जी आए थे। उन्होंने 9 ग्रह की पूजा करी पहले, फिर उसके बाद लड्डू गोपाल का अभिषेक करवाया। तो सबसे पहले उन्हें 5 बार गंगा जल से छिटा दिया गया, उनको नहलाया गया, फिर कच्चे दूध से उनको नहलाया गया। कच्चे दूध डालने के बाद फिर से वापस हम उनमें गंगा जल डाल रहे हैं। अब उसके बाद दही डाल रहे हैं, दही से उनका अभिषेक हुआ। फिर से उनके ऊपर गंगा जल दे रहे हैं। हर एक एक प्रत्येक दूध, दही, घी, चीनी सब डालने के साथ साथ एक एक बार उनके ऊपर गंगा जल भी देना होता है। तो दही के बाद हमने दिया घी, फिर उसके बाद दिया शहद। और अब ये लास्ट हम लोग दे रहे हैं चीनी। चीनी की चाशनी होती है, चीनी का जो पानी होता है वो। और ये लास्ट है हमारा चन्नामृत। और अब उनको साफ पानी, साफ गंगा जल से अच्छे से स्नान करा जाएगा।
यहाँ लड्डू गोपाल को अच्छी तरह से साफ करके गंगा जल से उनको पूरी तरीके से अच्छे से साफ किया गया और अब उनको अच्छे से पूछा जा रहा है। अब उनका श्रृंगार किया जाएगा, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए जाएंगे। तो ये हमारे लड्डू गोपाल सुंदर सुंदर तैयार होके विराजमान हो गए हैं। अब उनकी पूजा होगी, उनको तिलक लगाया जा रहा है, उनको रोली लगाया जा रहा है, टीका लगाया जा रहा है। उनके साज श्रृंगार के बाद उनको माला, फूल की माला पहनाई गई। फिर अब उनका दिया किया जा रहा है, कपूर उनके सामने दिखाया जा रहा है। उसके बाद हमने बनाई थी नारियल की लड्डू, जो उनको भोग लगाया, पंचमेवा और नारियल की लड्डू। आप कुछ भी मीठा लगा सकते हो। फिर गंगा जल से उनको 5 बार उनके तरफ घुमा करके नीचे पानी को छिड़का गया। उसके बाद हमारे पंडित जी ने हवन भी करवाया, बहुत ही विधि पूर्वक उन्होंने पूजा करवाया, बहुत अच्छा लगा। आरती लास्ट विधि थी, उसके बाद हमने लड्डू गोपाल को उनके सिंहासन पर विराजमान कर दिया। जैसे कि उस दिन जन्माष्टमी थी तो हमने उनके लिए जो झूलन सजाया था वहाँ पर विराजमान कर दिया। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो लड्डू गोपाल को घर पे लाने की ये होती है पूरी विधि। अगर आप भी अपने घर पे लड्डू गोपाल ला रहे हैं तो इसी विधि पूर्वक उनका पूजा कीजिए, उनका प्राण प्रतिष्ठा पूजा कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी आइडिया मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा जन्माष्टमी का व्लॉग भी आने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। तब तक के लिए सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय श्री कृष्णा।